हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद्म पुरस्कार 2022। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, बैंक हो गया, एनडीए, पुलिस, आर्मी, हर किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा। पद्म पुरस्कार से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में समझाऊंगी, ताकि बड़ी ही आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। क्या डिफरेंस है पद्म पुरस्कार के पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री में, यह चीजें भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें आपको डिटेल में समझने के लिए मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 किसके द्वारा दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो कौन देता है पद्म पुरस्कार? राष्ट्रपति जी देते हैं, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, किसी मंत्रालय द्वारा नहीं, या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया जाता है। कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं पद्म पुरस्कार, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं डिटेल में समझाऊंगी, तो डिटेल में समझते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला हो गया, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, या फिर व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद हो गया, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पर, याद रखना है आप लोगों को, प्रत्येक वर्ष पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं, तथा मार्च और अप्रैल के माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई, मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया ताकि ये चीजें आराम से याद रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखना है आप लोगों को, चार लोगों को, ठीक है, चार लोगों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए डिटेल में समझेंगे अब हम। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस बार चार हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कितने व्यक्तियों को? याद रखिएगा, चार हस्तियों को, चार व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें तीन ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। पद्म विभूषण पाने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत हैं, उसके बाद भाजपा नेता कल्याण सिंह, उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे राधेश्याम खेमका। याद रखना है यह तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, जनरल सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत सीडीएस, ठीक है, उसके बाद भाजपा नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे राधेश्याम खेमका, यह तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके बाद दिया जा रहा है। और उसमें एक और है, इनका नाम है शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, इनका नाम भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो चार लोगों को दिया जा रहा है जिसमें से तीनों की मृत्यु हो चुकी है, और एक है जिनका नाम है शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जो जीवित है, उन्हें भी यह सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए सीडीएस जनरल विपिन रावत के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूं, जहां पर मैंने ए टू जेड सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाई थी इनके बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा वह टॉपिक, वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगला सवाल है, पद्म भूषण 2022 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 17 लोगों को। याद रखना है आप लोगों को, पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट, नेता गुलाम नबी आजाद, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल की पैरेंटल कंपनी, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, और देश को कोरोना की वैक्सीन देने वाले भारत बायोटेक के फाउंडर कृष्णा एला, सुचित्रा एला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के प्रमुख साइरस पुनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल 17 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम हमने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री 2022 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है।
सही उत्तर होगा इसका 107। 107 व्यक्तियों को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया जाएगा। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम पढ़ लेते हैं, जैसे देखिए ओलंपियन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं यह ओलंपिक में, इन्हें दिया जाएगा। गायक सोनू निगम, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। इस बार 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्मश्री और 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे हम टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 128। कितने, 128। ठीक है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे, 17 लोग वो हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पूरा आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। 128 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2022। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार में तीनों आ जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण भी आ गया, पद्म भूषण भी आ गया और पद्मश्री भी आ गया। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हम पद्म पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम क्या मिलाकर क्या बोलते हैं, पद्म पुरस्कार। तो इस पद्म पुरस्कार 2022 को कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखना है आपको 128। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 128 है। देखिए वापस से रिवीजन करवाना चाहूंगे आप लोगों को, वापस से रिवीजन करते हैं हम। 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, किससे, पद्म विभूषण से 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको यह आंकड़े, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2022 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको याद करना है। इस तरह कुल 128 लोगों को पद्म सम्मान दिया जाएगा। ओके, रिवीजन हो गया आप लोगों का। अब देखें जो चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। अब आप यह बताइए कि पहला उच्च सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा, वह है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पद्म विभूषण। ओके, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को में की गई थी। ठीक है, याद रखना आपको 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा होता है, वह होता है पद्म भूषण। ठीक है, याद रखिए, एक और बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है भारत रत्न, सबसे पहला कौन सा है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। ठीक है, पहले नंबर पर है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण। ठीक है, रिवीजन हो गया। चलिए उसके बाद अब पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक और बार रिवीजन कीजिए, पहले नंबर पे कौन सा आता है, भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण। ठीक है, अब देखिए जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री का नाम लिया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री या पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को दिए जाने वाला यह सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला हो गया, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है पुरस्कार, भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अब रिवीजन कर लेते हैं एक और बार कि किन किन हस्तियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम सारे पॉइंट्स कवर करके चलेंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। ठीक है, देखिए रिवीजन करते हैं। इन 4 हस्तियों को मिला है पद्म विभूषण,
किसे सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, कितने लोगों को? 4 व्यक्तियों को। किसके द्वारा दिया जाएगा? हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति बना होगा उसके द्वारा इससे सम्मानित किया जाता है। तो देखिए किस किस को मिला है, प्रभा अत्रे, इन्हें आर्ट में इन्होंने अच्छा सा योगदान दिया है इसलिए मिला है। राधेश्याम खेमका, साहित्य और शिक्षा, जनरल बिपिन रावत, सिविल सर्विसेज, उसके बाद कल्याण सिंह, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिला है। ठीक है, यह 3 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है, जीवित कौन है? प्रभा अत्रे। ठीक है, आर्ट में इन्होंने योगदान दिया है इसलिए मिला है। अब देखिए 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, कौन कौन से इनके नाम है देखिए। गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। विक्टर बनर्जी आर्ट में, गुरमीत बावा मरणोपरांत मिला है इन्हें आर्ट के लिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन यह भी सुनने के लिए मिल रहा है कि इन्होंने मना कर दिया है लेने के लिए। ठीक है, क्या रीज़न है यह बाद में पता चलेगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य क्यों मना कर रहे हैं पद्म भूषण लेने के लिए, यह हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है, न्यूज़ ऐसे आ रही है वैसे। उसके बाद देखिए नटराजन चंद्रशेखर, ट्रेंड एंड इंडस्ट्री में इनको मिला है। कृष्णा एला और सुचित्रा एला, ट्रेंड एंड इंडस्ट्री के लिए। मधुर जाफरी पाक कला के लिए। देवेंद्र झाजरिया खेल के लिए। राशिद खान आर्ट के लिए। राजीव महर्षि सिविल सर्विसेज के लिए। उसके बाद देखिएगा सत्या नडेला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। सुंदर पिचाई, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। साइरस पुनावाला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। संजय राजाराम, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। प्रतिभा रे, लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको मिला है। उसके बाद 16 नंबर पे देखते हैं इनका नाम हम, स्वामी सचिदानंद, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। और 17वें नंबर पर है वशिष्ठ त्रिपाठी, लिटरेचर एंड एजुकेशन। इन सब फील्ड में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है इसलिए इन लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 107 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, घोषणा हुई है, इनका नाम घोषित हो चुका है, 3 अप्रैल तक इन लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे नेम हैं, मैं यहाँ पर सबके नाम आप लोगों को ना बता पाऊंगी इसलिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप इन 107 हस्तियों के नाम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे उनके नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिए, जैसे सोनू निगम का नाम था उसमें, नीरज चोपड़ा का नाम था। ठीक है, इस तरह से टोटल 107 व्यक्ति हैं, सबके नाम अभी यहां पर नहीं बता पाएंगे तो आपको कहां डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किस फील्ड में इन लोगों को मिलेगा और किन किन व्यक्तियों का इसमें नाम है। ठीक है, वैसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, सबके नाम तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, हाँ लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि पद्मश्री से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा 2022 में, तो 107 लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ें A to Z जितनी भी महत्वपूर्ण थी पद्म पुरस्कार 2022 से रिलेटेड, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर करवा दी है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा कभी भी, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ बिल्कुल फ्री है हमारा चैनल, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल प्रेस करके ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचाए और आप लोग वीडियो आराम से देख लें। ठीक है, थैंक यू।